मदीना में एक वाकया सुना रहे हैं कि या रसूल अल्लाह एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, ये किस्सा मैं आपको सुनाऊं, अय्याम जाहिलियत का वाकया है। या रसूल अल्लाह जब भी उस वाकये को मैं याद करता हूं, जब भी वो वाकया याद आ जाता है, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की नींदें खत्म हो जाती है, मैं करवटें बदलते रात गुजार देता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे नींद नहीं आती है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ कैस सुनाओ क्या वाकया सुनाओ। तो हजरत कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये उस वक्त की बात है जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह ये उस वक्त का वाकया है जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते थे, लोग बेटी को पैदाइश पे खुशी नहीं मनाते थे, लोग अपनी बेटी जिंदा बेटी को दफन कर देते थे। या रसूल अल्लाह मैं सफर में जा रहा था, मेरी बीवी हमल से थी, तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि अगर मैं सफ़र में मेरा लेट हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, अगर लड़का पैदा हो तो रखना, बेटी पैदा हो तो मेरे आने से पहले उसे दफन कर देना, हम बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहते। ये हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वाकया सुना रहे हैं, अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं। तो हज़रत कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सफ़र में चला गया और कम अज़ कम साल भर के बाद मैं जब सफ़र से वापस लौटा तो बीवी से पूछा कि बच्चे का क्या हुआ, तो वो हमसे कहने लगी कि बेटी पैदा हुई थी मर गई। तो हमने कहा कि चलो अच्छा हुआ नहीं मरती, मरी भी पैदा नहीं होती तो वैसे भी मर जाती, मरना ही पड़ता उसे, अच्छा हुआ बात आई गई हो गई। या रसूल अल्लाह चंद सालों के बाद मैं बाजार से जब लौटा घर तो देखा आंगन में एक बच्ची खेल रही है, 4-5 साल की बच्ची है, तो बड़ा प्यार आया उस बच्ची पर मुझे। वो बच्ची मेरे करीब आई और मेरी उंगलियों को हाथों को जिस्मों को छूने लगी, तो मैंने भी उसकी उंगली पकड़ ली, प्यार किया। तो अपनी बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है, तो मेरी बीवी उस वक्त भी बोली कि ये बच्ची पड़ोसन की है, उसको कहीं काम से जाना था तो यहाँ छोड़ कर गई है। बोला बहुत अच्छी बात। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं खाने के लिए बैठा ना, वो बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई, तो मैंने उसे अपने गोद में बिठा लिया। या रसूल अल्लाह मैं रोटी का लुकमा तोड़ कर उस बच्ची के मुँह में दिया ना, तो वो बच्ची भी रोटी का लुकमा तोड़ कर मेरे मुंह में रखती, वो बच्ची भी मेरे मुंह में लुकमा तोड़ कर रखी। या रसूल अल्लाह रात को जब मैं बिस्तर पे सोया तो वो बच्ची मेरे सीने पे सोई। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं बाजार जाता था वो मेरे साथ जाती थी, मैं जब घर में रहता था मेरे इर्द गिर्द रहती थी। या हबीब अल्लाह जब मैं खाना खाता था तो साथ खाना खाता था, या रसूल अल्लाह जब मैं रात में सोता था तो वो मेरे सीने पे सोती थी। जब इतनी मोहब्बत बढ़ गई तो मेरी बीवी एक दिन कहती है कि मेरे सरताज एक बात है जो मैंने आप तक आज तक छुपाई है, अगर आप माफ़ करें तो मैं बता दूँ। शौहर ने कहा माफ़ है बताओ, तो बीवी कहती है कि बच्ची को पहचान रहे, इसकी आंखों में देखिए बच्ची कौन है। तो शौहर ने कहा कि नहीं मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ ये बच्ची कौन है। तो बीवी कहती है ये बच्ची कोई और नहीं है, ये कोई किसी गैर की बेटी नहीं है, ये आपकी अपनी सगी बेटी है। ए बच्ची मेरे घर में बच्ची पैदा हुई थी, मैंने आपके डर से इस बच्ची को अपने बहन के घर भेज दिया था, अब बच्ची की 4 साल उम्र हो गई, मैंने इस बच्ची को फिर मंगाया है। कुर्बान जाओ हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि या रसूल अल्लाह जब मैंने ये सुना कि ये बेटी मेरी है, ये बच्ची मेरी है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। उस बच्ची को मैंने सीने से चिमटाया है, सीने से लिपटाया है। या रसूल अल्लाह आखिर रात हो गई, मेरी आंखों से नींद गायब है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, करवटें बदल रहा हूं, अब बार बार मेरे जहन में एक बात आ रही है, ए कैस तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तेरी बेटी है, तू जमाने वाले को क्या मुंह दिखाएगा, अपने दोस्तों को क्या जवाब देगा, कल को होके ये बेटी तेरी जवान होगी, तेरा कोई दामाद बनेगा, तुझे कोई आंख दिखाएगा,
तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ऐ कैस, अभी मौका है, इस बच्ची को जान से मार दे, इस बच्ची को जिंदा दफन कर दे। ऐ कैस, अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो सबसे पहले इस बेटी को मार दे। या रसूल अल्लाह, रातें गुजर गई, मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, अब इस बच्ची को मुझे नहीं रखना। सुबह हुई तो अपनी बीवी से मैंने कहा कि देखो, इस बच्ची को तैयार कर दो, मुझे इसे एक दोस्त से मिलवाने ले जाना है। बीवी बड़ी खुश हो गई, बच्ची को नहला धोला कर बालों में तेल लगाया, आँखों में काजल लगा दी, बच्ची को लेकर हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अनु अपने घर से निकले। मदीना के बाजार से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। तो ये बच्ची ना, ये बच्ची कभी आगे जाती थी, कभी पीछे जाती थी, कभी बाप की इस हाथ की उंगली को पकड़े, कभी बाएं हाथ की उंगली को पकड़े, कभी दाएं हाथ की उंगली को पकड़े। वो जगह चला गया जहां कब्र खोदनी थी। हजरत कैस बिन आसिम फावड़ा लिए, क्या लिए? फावड़ा जानते हैं? अरे कोदार। फावड़ा लिए, कब्र बनाना शुरू कर दिए। तो कब्र की मिट्टी ना, ये कुर्ता जुब्बा, अरबी लोग जुब्बा पहनते हैं, तो कब्र की मिट्टी जुब्बा में लगती थी। तो ये बच्ची अपने हाथों से साफ कर देती थी, अब्बा आपके जुब्बा में मिट्टी लग रही। या रसूल अल्लाह, उस वक्त भी मुझ जालिम को रहम ना आए। या हबीब अल्लाह, कब्र तैयार हो गई, मैंने इस बच्ची को अपने हाथों से पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर में, कब्र के अंदर में बच्ची को फेंका। वो बच्ची चीखती रही कि अब्बा आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे इस गड्ढे में क्यों छोड़ रहे हैं, आप तो मेरे बाबा जान हैं, आप तो मेरे प्यारे अब्बा हैं, मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है, अब्बा मुझे अकेला छोड़कर आप ना जाएं, मुझे भी साथ ले चले, कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी चीखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। या रसूल अल्लाह, मिट्टी डालकर जब मैं वहां से निकला तो बच्ची की चीख मेरे कानों तक कई किलोमीटर तक आती रही। या रसूल अल्लाह, जब भी रातों को मैं सोता हूँ, बच्ची की चीख आज भी सुनाई देती है। हिचकियाँ बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा जब सुने, वाकया सुने, हिचकियाँ बन गई अल्लाह के रसूल की, रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, भीग गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने हजरत कैस को डांटा, क्यों तुमने ऐसा किस्सा वाकया सुनाया, अल्लाह के रसूल को तुमने रुला दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर डांटो ना, इसे सुनाने दो, एक बार इस वाकये को और सुनाओ, हम घर से भाग जाएंगे अगर बेटा नहीं हुआ तो। बीवी समझाती रही, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ मेरे प्यारे सरताज, अब अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, कुर्बान जाओ। उस माँ को भी देखिए जिसको कोई औलाद नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, वो लोग भी तो सब्र करके हैं, तो आप भी सब्र कर लीजिएगा अगर बेटा ना हो। बोला नहीं, हम वो तकरीर नहीं सुनबो, तो हमारा बेटा चाहिए। वक्त विलादत के करीब आया तो बच्चे जब पैदा हुए तो वही बेटी पैदा हुई। और हकीकत में बुधवा घर से भाग गया, वो घरे छोड़ दिया। लोगों ने फिर समझा बुझा कर उसको लाया, तीसरी मर्तबा फिर हमल रुका। तो अब बीवी को फाइनल बोल दिया कि फाइनल सुनी ले, अगर आपकी बार बेटी भेलो हम दिल्ली भागी, यहाँ न रुको, हमें दिल्ली चल जाओ। कहाँ चल जाओ? दिल्ली। और हकीकत में तीसरी बेटी जब पैदा हुई तो हकीकत में ये रुका नहीं, सीमांचल पकड़ा, दिल्ली चला गया। बोला बाप, तीन बेटी भाग लो हमारा, आर हमें बिहार, हम न रुको, हमें दिल्ली में रहो। वक्त गुजर गया, दो चार महीना हुआ ना, तो एक रोज़ रात में ये सपना देखा, एक रोज़ रात में ये नौजवान ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, दो चार फरिश्ता इसका बाँह को पकड़ा, बाजू को पकड़ा, बोला यही है, इसी को ले चलो, जहन्नम की खाई में डालेंगे, ले पकड़ो। ये नौजवान छटपटाता रहा कि हमको छोड़ दो, बोला नहीं तुम ही हो। वो जहन्नम की खाई की तरफ ले जा रहा था तो देखा जहन्नम के दरवाजे पे
खाई के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी है। कौन खड़ी है? बड़ी बेटी खड़ी है। तो बच्ची कहती है अल्लाह के फरिश्तों से कि ये मेरे बाबा, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? बोला है बच्ची तू रास्ते से हट जा, तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। ये बच्ची कहती है ना ना, हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, हम दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते कहा अच्छा ठीक है, ये दरवाज़ा से नहीं डालने दोगी, एक दरवाज़ा और है उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पर लेके गया तो देखा दूसरी बेटी बैठी हुई है, वो भी कही कि नहीं हम इधर से अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, ये मेरे अब्बा है, ये मेरे प्यारे बाप है। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक वो दरवाजा और है उधर से डाल देंगे। जब तीसरे दरवाजे में गया देखा सबसे छोटी बेटी बैठी है, बोला ये मेरे अब्बा हैं, इधर से हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाजा और है, चौथा दरवाजा है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। उसको ले गया पकड़ के चौथे दरवाजे की खाई में, जब गिराया ना तो जब वो गिरा तो चीखा, सपना वो सपना देख रहा, वो चीखा चीख ऐसा मारा कि उठ के बैठ गया पसीना से सराबोर, बवाओ बचलान बवाओ। अल्लाह बचे हम, अल्लाह तूने मुझे बचा लिया, कुर्बान जाओ। फिर वो लड़के को नींद नहीं आई, पूरी रात गुजार दिया, सुबह हुई ट्रेन पकड़ा बिहार भागा, घर आया बीवी के हाथ पकड़ा घर लेके गया, बोला कि खुद याग में चौथी औलाद हमारा बेटी चाहिए। बोले अल्लाह इकरा की भाग ली रे भाव, अल्लाह जी कोई ताबीज पिला दी गोली की। बोले कना की, बोले ते इतना दिन से लहा बारिश बैठा पानी उनी पियो। बोला नहीं पानी बादम पियो, पानी बादम पियो, ते वादा करे कि चौथी औलाद जो हमारी होगी वो बेटी होगी, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। काश बीवी पूछी कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, कहानी क्या है, कुछ तो बताइए। ये नौजवान सारा वाकया सुनाया, अपनी बीवी से कहने लगा कि फुतकी की मैं अगर हमार चौथी बेटी रहला तो हम जहन्नम खाई में नहीं गिरला, वो बची गला जान। हम बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रह बरकत भी है, बल्कि बेटी रहमत भी है। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ बेटी से भी मोहब्बत करो, बेटियों से भी मोहब्बत करो। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में आपकी बेटी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब भी कभी मिलने आती थी ना, तो अल्लाह के रसूल फातिमा दस्तक देती थी दरवाजे में, दरवाजे में दस्तक देती थी। तो अल्लाह के रसूल ए बाबू ये बहुत खुजली बीमारी है, अजय एक वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा है ही लागले आने जाना जी, बर्दाश्त करना जी। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे पहचान है, काहे बेचैन है, बैठो ना। बोला मौली साहब बहुत जोर उस लगला से। हम बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों से मोहब्बत कीजिए। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी कभी अल्लाह के रसूल के घर में तशरीफ़ लाती, बाबा के घर में आती, अम्मा आयशा के घर में आती, माँ बाप के घर में बेटी आती है ना भाई? अरे बेटी माँ बाप के घर में आती है ना? जी आती है। तो दरवाजे पे दस्तक होता तो अल्लाह के रसूल फातिमा की दस्तक को पहचानते थे। आप फरमाते थे उम्मे यमन से, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, फातिमा लगता फातिमा आ गई है। तो दरवाज़ा खुलता तो अल्लाह के रसूल की नज़र मिलती फातिमा से, आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाल्लाह। बेटी के इस्तकबाल के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ते,
चंद कदम आगे बढ़ते बेटी की तरफ, अब बेटी के हाथों को पकड़ते, पेशानी को बोसा देते, फिर अपनी बेटी के हाथ को पकड़ कर लाकर यहाँ मसनद पे पहले बेटी को बैठाते थे, फिर आप अपने खुद बैठते थे। ये मकाम बताया हम गुनहगारों को, तो बेटी क्या है, बेटी के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, बेटी का मकाम क्या है, हम लोग समझ नहीं पाते। इंशाल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, कितने लोग तैयार हैं, इंशाल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों से मोहब्बत करो, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बेटियों से प्यार करो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। इसलिए मुसलमानों, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटों के सामने बेटी को नीच निगाह से देखना, उसे गिरी हुई नज़र से देखना, उसे बोझ समझना, ये नादानी है, ये जहालत है। अल्लाह हम सबको इस जहालत से बचने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले दो। एक साथ हजरत कैस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब भी इस वाक़े को मैं याद करता हूँ रातों को नींद नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कैस अपने दिल को हल्का करो, अय्याम जाहिलियत के गुनाह को तेरे कलमा पढ़ने से अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, माफ़ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो अपनी बेटियों से मोहब्बत ना करे, जो अपनी बेटियों से प्यार ना करे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, बेटा नेमत है लेकिन बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी नेमत भी है। इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी हो गई, उसका तरका में हिस्सा निकालो, बेटी के ज़मीन में जो हिस्सा निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हिस्सा दो अपनी बेटी को। बेटा को दिए हो तो बेटी को भी हिस्सा दो अल्हम्दुलिल्लाह। घर में हिस्सा बेटा का आ रहा है तो वहाँ पर बेटी का भी हिस्सा निकालो, इसलिए कि बेटों से ज़्यादा मोहब्बत औलादों में बेटा बेटी दोनों है। माँ बाप से बेटा और बेटी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप से कौन करता है, बेटा करता है कि बेटी करती है? बोलो भाई, आप आजमाइएगा, मैं तो आजमाया हुआ हूँ, मैं आजमाया हुआ हूँ। मेरी एक बेटी की शादी हुई है, मेरी एक बेटी की शादी हुई, और कुर्बान जाइए अल्लाहु अकबर कबीरा, रमज़ान से पहले भी, रमज़ान शुरू होने वाला, कलकत्ता से निकले हुए 2 महीना हो गए, हम घर नहीं गए, सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। मैंने कहा कि बेटा तुम्हें 1 महीना रमज़ान भर घर में रहना है, और कुर्बान जाइए मेरी बेटी रमज़ान में जब घर में रहती है ना, आहा, मैं आपको क्या बताऊं। बेटी को पता है मेरे अब्बा को कब कब चाय चाहिए, उसे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। आपने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे को क्या फर्क पड़ता। बेटी ससुराल में ये कॉल सिर्फ चला गया कि तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, कसम खुदा की खाना हराम है बेटी के लिए जब तक कि अपने बाप के चेहरे को ना देखे, उसके लिए खाना हराम है, उसके लिए रोटी हराम है जब तक कि अपने माँ बाप के चेहरे को ना देख ले। तो इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। तो ये बेटियों का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा अल जामियतुल सुफा लिल बनात, ये बेटियों का मदरसा है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है इस मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, आपकी कुछ लोग कहते होंगे कि मेरी बेटी तो नहीं पढ़ती है, लेकिन एक बात ये कहिएगा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का, बोलो भाई, इन्नमल मोमिनुन इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, सर नंगा है, अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई हातिम ताई की बेटी पर, अल्लाह के रसूल अपने कंधे से चादर उतारे, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पर रख दो। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये कैद होकर आई है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, बेटी किसी की भी हो बेटी बेटी होती है, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी ईसाई की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी जो भी है वो बेटी बेटी होती है। इंशाल्लाह ये बेटियों का मदरसा है, इस मदरसे को बनाएंगे मेरे भाई, अरे बनाएंगे।
कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाइए ना, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है इस बेटी का मदरसा का बनाने के लिए, इस बेटी के मदरसे में ताउन करने के लिए, इस बेटी के मदरसे में क्या कहते हैं कि अपने माल को लुटाने के लिए, अपनी दौलत को लुटाने के लिए। तो मौजा सामने नहीं किराम, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई दानी, है ऐसा कोई फैयाज दिल वाला, है अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से, रमज़ान का महीना बरा रहा है, सोई सदका, कोई बीमार है जो अपने नाम पर सदका की नीयत से 5,000 रुपये इस बेटी के इदारे में दान करने वाला हो, इंशाल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में 5,000 रुपये ताउन करने वाला हो, 5,000 रुपये मदद करने वाला हो, 5,000 रुपये इमदाद करने वाला हो, 5,000 रुपये इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह माली मदद पहुंचाने वाला हो, इंशाल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब है जो अपने माँ बाप के नाम पर इस इदारे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियों के मदरसे के लिए 5,000 रुपये दान करने को तैयार है, इंशाल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है मेरा कोई भाई इंशाल्लाह पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, हम अपने बाप के इस हालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, इंशाल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूँगा। है कोई पहला नौजवान है, पहला कोई मेरा भाई, एक 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 आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5,000 रुपये दान करने वाला, कोई पहला सखी। हमारी माँ बहनों में भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5,000 रुपये अपने अपनी बेटियों के लिए, अपने शोहर के नाम पर, अपने बेटों के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में तावन करने वाली हो, इंशाल्लाह मेरी माँ बहनों मैं दुआ करूँगा अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिजा बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को अल्लाह आलिमा बना दे, अल्लाह तेरे शोहर की उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। पहला मेरा कोई भाई है, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, चेयरमैन हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से 5,000 रुपये देने वाला एक कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए, देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, पहला कोई शख्स 5,000 टका दीते पारे इंशाल्लाह, हमी अपनार जन्य 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सखी है, कोई मेरा भाई है, कोई ऐसा दानी है, कोई फैयाज दिल वाला है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। है कोई बीमार जो इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, 5,000 रुपये सदका करो, अल्लाह मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा देगा। है कोई परेशान हाल मुसलमान, 5,000 रुपये सदका करो, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देगा इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान है भाई, 5,000 रुपये वाला कोई है, एक आदमी कोई बताया, कोई एक आदमी इंशाल्लाह। प्रथम झन पहला कोई इंसान, कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मेरे भाई कौन सी बड़ी रकम मैंने मांगा आपसे, 50,000-20,000 तो नहीं मांगे हैं, सिर्फ 5,000 रुपये का सवाल है। अच्छा, 5,000 की अभी के ज़माने में कोई हैसियत नहीं है मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, एक झोला ले लीजिए 5,000 रुपये, लिए अररिया जाइए, जोकी जाइए, 5,000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा, झोला नहीं भरेगा। और सुनो मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, इसलिए कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है। आज यहाँ जो दे देंगे आप, वल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, मेरा अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश करेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है।